नथिंग वेज जो कस्टम रूम है और Redmi Note 7 एस 7S के लिए जो अवेलेबल हुआ है उसका जो रिव्यू मैं आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ। और इस रूम का क्या क्या बग्स आपको देखने को मिलेगा, इस रूम में आपको क्या क्या जो फीचर्स आपको देखने को मिल जाएगा, क्या इसका परफॉर्मेंस और कैसा बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नथिंग ओएस जो कस्टम रोम है इसका जो वर्सन है 2.0.9। ये जो कस्टम रोम है वो एंड्रॉइड 13 के साथ आता है जो कि लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्सन है। तो वह यहाँ से देख सकते हो एंड्रॉइड 13 आपको देखने को मिल जाता है। उसके साथ ही इस साल का जो फर्स्ट नवंबर का जो सिक्योरिटी पैच आपको देखने को मिल जाएगा। उसके साथ आपको 4.4 का जो कस्टम प्रीडेट और कर्नल वर्सन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और इस कस्टम रोम को जो है वो नथिंग ओएस की तरह ही बिल्ड करा गया है। थोड़ा बहुत जो कस्टमाइजेशन वो सेम देखने को मिल जाएगा आपको नथिंग ओएस के जैसा। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी कंट्रोल सेंटर की। तो कंट्रोल सेंटर आप देख ही सकते हो, यहाँ पर से जो स्टॉक कंट्रोल सेंटर है वो आपको देखने को मिल जाएगा। सब टैब्स आपको देखने को मिल जाएगा, ऑल टैब्स वर्किंग है और ऐसा कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिल जाएगा कंट्रोल सेंटर के अंदर, जो कि बहुत ही बढ़िया जो लुक प्रोवाइड करता है आपको। और बात करें उसके साथ जो वॉल्यूम पैनल की, इसका जो वॉल्यूम पैनल है जो नथिंग ओएस की तरह ही जो इसका स्टॉक वॉल्यूम पैनल की तरह ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर से आप जो वॉल्यूम कस्टमाइज कर सकते हो। और इसका जो पावर मेनू है वो आप ऐसे देख ही सकते हो, जो स्टॉक जो पावर मेनू है वो आपको देखने को मिल जाता है। बात करते हैं इसकी विजेट की, तो यहाँ पर से आपको सारा विजेट जो है यहाँ से मिल जाता है। तो आप यहाँ पर ये नथिंग ओएस का जो विजेट है वो भी यहाँ पर से आप सेट कर सकते हो। उसके साथ जो एंड्रॉइड 13 का जो विजेट है वो भी आप यहाँ से यूज कर सकते हो। तो अपने हिसाब से जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो और ऐसा कुछ मेनू जो है आप सेटअप कर सकते हो। और बात करें इसकी डायलर की, तो यहाँ पर से आपको जो गूगल डायलर देखने को मिल जाता है। उसके बाद जो मैसेजिंग ऐप से वो भी आपको गूगल का मैसेजिंग ऐप देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा जो बग है रूम में वो यहाँ पर से जो गूगल प्ले प्रोटेक्ट आपको सर्टिफाइड नहीं मिलेगा। तो आप गूगल प्ले स्टोर से कोई भी ऐप्स आप इंस्टॉल नहीं कर सकते। यही जो बड़ा मेजर जो बग से आपको देखने को मिल जाता है, इसकी वजह से आप इस रूम को यूज करने का मन ही नहीं करेगा। जो है कोई भी गूगल का ऐप्स जो है आप नहीं इंस्टॉल कर सकते हो, कोई भी क्रोम ब्राउजर वगैरह नहीं चलेगा। तो मेजर बग है वो यही है जो सबसे बड़ा बग्स है। अगर आप गूगल प्ले यूज ही नहीं कर सकते हो तो रोम यूज करके क्या करोगे, फोन भी यूज कैसे करोगे। तो मुझे तो सबसे बड़ा बग्स जो यही लगा है, गूगल प्ले है प्रोटेक्ट है वो सर्टिफाइड नहीं है रूम में। चाहो तो टेस्टिंग के लिए यूज कर सकते हो इस रूम को, नहीं तो अवॉइड कर सकते हो। उसके बाद जो दूसरा बग्स है इस रूम में, रूम के अंदर यहाँ पर से जो आपको जो ब्राइटनेस का जो फ्लिकर आप देखने को मिल जाएगा, और उसके साथ जो ऑटोमेटिक भी ब्राइटनेस का भी फ्लिकर करता है, तो आप नोटिस किया होगा वीडियो में जो थोड़ा ब्राइटनेस है वो ऑटोमेटिकली फ्लिकर कर रहा था। तो यही जो मेजर बग्स आपको देखने को मिल जाता है जो सबसे ज्यादा परेशान करता है, ये देख सकते हो आप यहाँ पर। तो सेटिंग मेनू के अंदर चलते हैं। तो सेटिंग मेनू के यहाँ पर से आपको जो सबसे पहले जो नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद जो ब्लूटूथ ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आता है ऐप्स ऑप्शन। तो ऐप्स ऑप्शन से आप जो सारा ऐप जो है आप यूज कर सकते हो, लोन ऐप्स यूज कर सकते हो, ऐप लॉक यूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर नोटिफिकेशन ऑप्शन आता है। नोटिफिकेशन ऑप्शन के अंदर सारा जो ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, जो स्टॉक एंड्रॉइड में जो जो सेटिंग आपको देखने को मिल जाता है वैसे ही सब सेटिंग देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो लैब इंटरफेस जो है आपको देखने को मिल जाता है। और ये जो इंटरफेस है वो सिर्फ नथिंग ओएस के नथिंग फोन के लिए ही है दोस्तों। ये जो कस्टमाइजेशन है ये तो वर्क नहीं करेगा, ये तो सिर्फ दिखाने के लिए है, तो साइड में ही रख लो। और उसके बाद यहाँ पर से जो नोटिफिकेशन टोन वगैरह है वो भी आप यहाँ से यूज नहीं कर पाओगे। उसके बाद बैटरी ऑप्शन, तो बैटरी ऑप्शन में यहाँ पर से आपको सारा जो कस्टमाइजेशन है ऐसा देखने को मिल जाता है। यहाँ पर से बैटरी सेवर मोड भी आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आता है स्टोरेज ऑप्शन। उसके बाद आता है साउंड वाइब्रेशन। तो साउंड वाइब्रेशन के अंदर जो फोन का जो मीडिया रिंगटोन नोटिफिकेशन वॉल्यूम अलार्म वॉल्यूम है वो सब ऐसे आप कंट्रोल कर पाओगे। उसके बाद जो फोन रिंगटोन है यहाँ पर से आप सिलेक्ट कर पाओगे। उसके बाद जो इनहांस ऑडियो मोड देखने को मिल जाता है आपको। उसके बाद डिस्प्ले ऑप्शन, तो डिस्प्ले ऑप्शन में आपको जो मेजर सेटिंग है जो स्टॉक वही देखने को मिल जाएगा, ये सब सेटिंग देखने को मिल जाता है डिस्प्ले ऑप्शन में। उसके बाद आता है लॉक स्क्रीन। लॉक स्क्रीन में आपको जो सब सेटिंग है देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर से लॉक स्क्रीन का जो लॉक वगैरह है विजेट है वहाँ पर से भी कस्टमाइज कर पाओगे आप
अपने हिसाब से। उसके बाद जो लॉक स्क्रीन जो शॉर्टकट से वो सब यहाँ पर सेट कर पाओगे। उसके बाद आपको क्विक लुक, डबल लाइन क्लॉक, उसके बाद जो टेक्स्ट ऐड टेक्स्ट लॉक स्क्रीन ये सब ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आता है कस्टमाइजेशन ऑप्शन में। तो कस्टमाइजेशन ऑप्शन के अंदर आपको पर से जो फोन का जो लॉक स्क्रीन एंड जो होम स्क्रीन का जो वॉलपेपर है यहाँ पर सब सेट कर पाओगे। जो यहाँ पर से डिफॉल्ट है बहुत सारा जो वॉलपेपर आपको देखने को मिल जाता है, तो आप अपने हिसाब से जो है सेट कर लेना। उसके बाद आता है आइकॉन पैक। यहाँ पर से जो आइकॉन पैक स्टाइल आपको कैसा चाहिए ये सब आपको यहाँ पर से सेट कर पाओगे। तो उसके बाद आता है एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन। एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन में आपको जो टॉक बैक, मैग्निफिकेशन, डिस्प्ले साइज, टेक्स्ट, कलर एंड मोशन, एक्स्ट्रा डिम ये सब ऑप्शन देखने को मिल जाता है। उसके बाद आता है सिक्योरिटी ऑप्शन। तो सिक्योरिटी ऑप्शन में आपको जो प्ले प्रोटेक्ट, फाइंड माई डिवाइस, सिक्योरिटी अपडेट ऐसा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। उसके बाद आता है लोकेशन ऑप्शन। उसके बाद आता है सेफ्टी एंड प्राइवेसी। उसके बाद वो जो पासवर्ड एंड अकाउंट सेटिंग यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ऐसे यहाँ पर से आप जो अपना पासवर्ड साइन अप कर सकते हो, लेकिन इस रोम में जो प्ले प्रोटेक्ट सर्टिफाइड नहीं है तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर से कोई अकाउंट वगैरह लॉगिन होगा। उसके बाद आता है डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटल कंट्रोल्स ऑप्शन। उसके बाद गूगल ऑप्शन। उसके बाद है एक्सपेरिमेंटल फीचर्स। यहाँ पर से थोड़ा बहुत जो फीचर्स देखने को मिल जाता है नथिंग ओएस के द्वारा, मुझे नहीं लगता ये यूज आप कर पाओगे। उसके बाद सिस्टम ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर से जो लैंग्वेज, सिस्टम अपडेट, गेस्चर, गेम मोड, गेम आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर से गेम मोड के अंदर जो गेम लिस्ट मैनेजमेंट, नोटिफिकेशन, डिस्प्ले, मिस टच प्रिवेंशन ये सब ऑप्शन देखने को मिल जाता है। उसके बाद गेम डैशबोर्ड ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आता है अबाउट फोन। तो अबाउट फोन में आपको जो फोन का जो स्पेसिफिकेशन यहाँ पर से शो कर जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो स्पेसिफिकेशन शो कर रहा है एक्चुअली तो नथिंग ओएस का है जो यहाँ पर से शो कर रहा है, लेकिन इसमें भी थोड़ा बहुत बग वगैरह है। आप देख सकते हो बैटरी यहाँ पर, इससे जो बैटरी यहाँ पर से जो 1000 एमएएच दिखा रहा है तो ये भी एक बग है। और कैमरा जो है यहाँ पर से आप जो 50+50 दिखा रहा है, तो ये सब जो बग्स थोड़ा बहुत आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सब कुछ सेटिंग मेनू के अंदर कुछ खास जो दिखाने के लिए वो नहीं था। उसके बदले जो बहुत मेजर जो बग्स है वो सब था इसमें। तो मुझे नहीं लगता ये रोमो आप यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो गूगल प्लस सर्टिफाइड ही नहीं है तो आप कैसे यूज़ करोगे इस रोम को। तो मैं सब ये वीडियो बना रहा हूँ इसको दिखाने के लिए जो इस रोम में क्या क्या इशू वगैरह है आपको देखने को मिल जाता है, आपको इंस्टॉल करना चाहिए या फिर नहीं। उसके बाद बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। तो मुझे नहीं लगता इसका कोई आप परफॉर्मेंस या फिर कोई गेम वगैरह खेल पाओगे, क्योंकि इस रोम में जो गूगल प्ले सर्टिफाइड ही नहीं है तो आप कैसे जो गेम इंस्टॉल कर पाओगे। और बात करते हैं इसकी बैटरी ऑप्शन की। बैटरी की तो इसको जो बैटरी जो मिलता है तो बैटरी बैकअप तो मुझे बहुत इशू लगा। और इसमें जो ऑटोमेटिकली जो बैटरी ड्रेन बहुत ज़्यादा होता है गाइस, बिना यूज़ पर भी बहुत जो बैटरी ड्रेन आपको देखने को मिल जाता है। तो मुझे नहीं लगता जो इस रोम को आप यूज़ करके थोड़ा सेटिस्फाइड हो पाओगे। और इस रोम में जो डिफ़ॉल्ट कोई कैमरा इंस्टॉल देखने को नहीं मिलेगा। और फिर भी अगर आप टेस्टिंग के लिए इस रोम को डाउनलोड करना चाहते हो तो डाउनलोड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसे चेकआउट कर लेना। और इसका जो इंस्टॉल प्रोसेस है वो भी मैं एक अलग से वीडियो बनाकर दे चुका हूँ, और वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप सब चेकआउट कर लेना। और अगर कहीं इंस्टॉल करने में आपको कोई इशू या फिर कोई दिक्कत हो तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन हो लेना। मेरा जो ऑनेस्ट रिव्यू है, आपको जो ये रोम आप अगर टेस्टिंग के लिए यूज़ करना चाहते हो तो आप इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन आप अगर यूज़ करना चाहते हो तो आप ना ही करते हो अच्छा है, क्योंकि इस रोम में जो बहुत सारे दिक्कत वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसे ही और भी रोम कस्टमरों की वीडियो आने वाला है गाइस, तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को ऑब्वियसली सब्सक्राइब करके रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।